महिलाओं में काम भावनाओं की कमी के कारण कैसे प्रॉब्लम तैयार होते हैं उसके बारे में मैं आपसे आज ये वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़की को उसके माँ ने मेरे पास में लाया, करीब करीब 24-25 साल की उम्र है और क्वालिफाइड लड़की है, ग्रेजुएट हो चुकी है, और इसलिए लाए कि दो दिन पहले उसका फाइनल मतलब शादी तय हो रही थी, एंगेजमेंट होने वाला था, लड़का आया था, पसंद कर लिया, और अभी जब एंगेजमेंट करना है तो उसने बोला कि मुझे नहीं करना है शादी। तभी उनको प्रॉब्लम आ गया कि भाई क्या हो गया, तो बोलती मुझे कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन है नहीं, मुझे कोई लड़के की तरफ कोई अट्रैक्शन होता नहीं, ना लड़की की तरफ होता, मेरे को कोई सेक्सुअल फीलिंग ही नहीं। तो जब सेक्सुअल फीलिंग नहीं है, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो मैं कोई लड़के को मतलब जो होने वाला पति है उसको मैं कोई समाधान दे नहीं सकूंगी, और ऐसे किसको फंसाना मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे अच्छा लगता नहीं है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको करना क्या। अभी तक उसने लड़के देखे, मगर हुआ क्या है कि अभी तक लड़कों ने उसको नापसंद किया करके ये चुप बैठे रही। अभी लड़के ने पसंद कर लिया तो अभी एंगेजमेंट का मौका आ गया कि चलो अभी लड़के की तरफ से हाँ आ गया, चलो अभी तो बोले, उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं करना है। तो उसको जब पूछा मैंने डिटेल में, तो बोले मैंने काफ़ी मतलब ये पहले से हो रहा है, जब से मुझे मासिक धर्म मतलब MC चालू हो गई, महावारी चालू हो गई, तब से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बाकी लड़कियों जैसा कोई लड़के की तरफ अट्रैक्शन नहीं है। मैंने बहुत बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की, बॉयफ्रेंड मेरे थे भी, मगर उनके साथ में मैंने कभी सेक्स नहीं किया, कभी मुझे अच्छा लगा ही नहीं या कभी मुझे अट्रैक्शन वो तरह का लगा ही नहीं। और काफ़ी बॉयफ्रेंड्स ने बोले, मुझे ऐसा बोला कि वे शादी करती है क्या, ऑफ़र दिया, मगर मैंने उनको बोला कि नहीं मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं शादी नहीं कर सकती। अभी जब ऐसा इस तरह का मौका आया कि अभी एंगेजमेंट के लिए अभी फाइनल आ गया, तो उसने बोला कि मैं नहीं करने वाली। अब जब मैंने उसको पूछा ये हो रहा कब से, तो बोले मेरे को पहले से कोई अट्रैक्शन ही है नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि भाई अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो माँ ने ये बोला कि भाई इसको तुम अभी सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो जगाओ, या उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा होना चाहिए, उसकी ऐसी इच्छा होना चाहिए कि मैंने शादी करना है और मैंने फैमिली लाइफ जीना है, ऐसा उसमें तुम करो कुछ ना कुछ, तुम सम्मोहित करो उसको, हिप्नोटाइज करो, उसके सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप सजेशन देना चाहते हो वो करो, और ये लड़की को अच्छा कर दो, ये लड़की बीमार है। अब लड़की को देखा तो वैसे वो बीमार नहीं थी, उसमें बीमारी क्या है, उसको इच्छा नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, लिबिडो नहीं है, सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, डिज़ायर नहीं है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे, कुछ काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि लड़की की इच्छा थी, यदि मुझे कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा कर दे सकता है या हो सकता है तो मैं शादी करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने उसको ये भी पूछा कि भाई तू लड़कियों के तरफ मतलब गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है क्या, बोले ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे दोनों भी है, बॉयफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड भी है, मगर मैंने कभी किसके साथ में सेक्स किया ही नहीं कभी। तब उसको मैंने फिर काउंसलिंग को बुलाया, उसमें ये मालूम पड़ा कि उसने उसके माँ बाप का सेक्स करते हुए जब वो एकदम छोटी थी उसको याद भी नहीं है वो देखा, उसको बोलते हैं प्राइमल सीन, और जब वो देखा तो उसको कुछ तो भी ऐसा भयानक लग गया कि कुछ तो भी है, और वो कुछ एक्सप्रेस ना कर सकी, और उसको तब से ऐसा एक डर बैठ गया कि सेक्स मतलब कुछ तो भी भयानक है। और थोड़ी बड़ी होने के बाद में 7-8 साल के बाद में उसका जो मामा था, मैटरनल अंकल, वो इसके घर में आता था, तो ये बड़ी जब हो गई उसको याद नहीं है कि कब की उम्र थी, मगर वो उसको छेड़खानी करता था, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता था, उसको पास में लेना, सेक्स करना मतलब किसिंग करना या ऐसा मतलब ये करता था। तो ये इसने कंप्लेंट करने की भी कोशिश किया उसके पेरेंट्स के तरफ कि भाई ये मामा ऐसा करता है, तो बोले नहीं नहीं वो तेरे को प्यार से पास में लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने उसको डाल दिया और कुछ उनको बोला नहीं। और तब से उसको और घृणा तैयार हो गई कि ये बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं। तो जब उसके साथ में मैंने सिटिंग्स किया, उसको वो एक्सपीरियंस जो है वो उसको एक्सपीरियंस पूरा मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए बोला, फिर से एक्सपीरियंस कर, वो एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंसिंग द एक्सपीरियंस कि क्या हो गया था उस समय। और जब उसने वो एक्सपीरियंस किया पूरा, और उसको जब मालूम पड़ा कि अरे वो कुछ साल पहले हुआ था, उसका अभी कोई संबंध है नहीं, जो हुआ वो हुआ, वो पास में हुआ, उसकी जो स्टोरी जो है, उसकी जो कहानी उसके दिमाग में, उसका जो उसने इंटरप्रिटेशन दिमाग में बिठा के रखा है, उसका जो मतलब उसने दिमाग में बना के रखा था कि सेक्स मतलब बहुत ही भयानक है, खतरनाक है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसलिए उसको एकदम जैसा वो सेक्स के बारे में जैसा उसकी पूरी इच्छा ही निकल गई थी। तो लेकिन ठीक है, अभी मैंने वो पूरा मेरे दिमाग में से जो है वो कंप्लीट किया,
अभी मैं सोचती हूँ जब उसके सीटिंग बढ़ते गए आगे आगे, तब उसको इच्छा हो गई कि नहीं अभी मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। वो जो मेरे को डर लगता था वो डर पूरा उसने निकाल लिया सेक्स के बारे में, और धीरे धीरे वो शादी को तैयार हो गई। तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि बचपन में उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे तरफ जब लोग आते हैं ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके, तो हम देखते हैं कि भाई पेरेंट्स के साथ में उनका कुछ झंझट हुआ है क्या, मतलब उनका परवरिश जो है माने या पिताजी ने उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, मनी के प्रॉब्लम है, मनी के बारे में प्रॉब्लम है क्या, और सेक्स के बारे में प्रॉब्लम है क्या। तो ये चार एरिया जब देखते हैं कि माँ बाप, मनी एंड सेक्स, तो इसमें हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो वहाँ से काउंसिलिंग की हम शुरुआत कर देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी आप सुधार सकते हो ये वीडियो से या वीडियो के माध्यम से। हमारे यहाँ काउंसिलिंग भी होता है, ऑनलाइन काउंसिलिंग होता है, हमारे हॉस्पिटल्स है, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा संकल्प है, इसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।